हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। वैसे चावल का प्रयोग प्रायः हम सब करते हैं, क्योंकि दोस्तों चावल ही एक ऐसा होता है जो कि हमारे शरीर को काफ़ी ऊर्जा देने का काम करता है। हमने एक वीडियो में आप लोगों को चावल के माध्यम से चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने वाला तरीका बताया था, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पेचिस यानी कि दस्त ठीक करने वाला इसे घरेलू उपचार बताऊंगा। वीडियो में आगे बनने से पहले थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अपने फायदे के लिए, वीडियो को पूरा जरूर देखना। हेल्थ गुरुजी चैनल का मकसद है आप सभी तक आयुर्वेद की सही तरीके से जानकारी पहुंचे, क्योंकि हमारे इंडिया में 90% आयुर्वेद की जानकारी समाप्त हो चुकी है। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आयुर्वेद की जानकारी आप सभी तक फिर से पहुंचे, ताकि आपको डॉक्टरों को मोटी रकम देने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे परेशानी को घर पर ही रह करके ठीक किया जा सकते हैं। दस्त वैसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है, फिर भी अगर ज्यादा पेचिस हो रहे दस्त हो रहे तो आप डॉक्टरी दवा कर सकते हैं। फिर भी हमारे वीडियो में बताए जा रहे नुस्खे काफी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यह देख लीजिए, यह है दोस्तों चावल। जी हाँ, और चावल पकाने के बाद इसका जो उबला हुआ पानी रहते हैं जिसे हम मांड बोलते हैं, इसी का प्रयोग करना है आपको दस्त की बीमारी ठीक करने के लिए। यह दस्तों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। बच्चों को आधा कप पिलाना होता है और जवानों को एक कप हर घंटे के बाद में पिलाना होता है, इससे दस्त बंद हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो इसे छोटे बच्चे को कम मात्रा में पिला सकते हैं। इसे मांड के नाम से जानते हो सकते हैं, इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो। इस मांड में थोड़ा सा नमक मिलाकर के सेवन करने से स्वादिष्ट हो जाती है, सुपाच्य हो जाती है, यानी कि जल्दी पचने वाला हो जाते हैं। इसमें नमक मिलाकर के इसे दस्तों में पीने से दोस्तों काफी लाभ मिलता है। और मांड को 6 घंटे से अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। उबले हुए चावल जिसे हम एक प्रकार की मांड बोलते हैं, इसमें सेंधा नमक मिला करके या छाछ या दही के साथ इसमें इसका प्रयोग करने से काफ़ी जो प्रभाव होता है, जो रिजल्ट होता है, जो दवा का काम करता है, वो 100% ज़्यादा बढ़ जाता है और फास्ट रिजल्ट मिलता है। 6 घंटे में आपको एक एक कप 6 घंटे तक पिलाना है। कैसा भी दस्त की बीमारी हो रुक जाते हैं। घरेलू नुस्खे हैं, फायदे नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं करते। वैसे इसका रिजल्ट हमने बहुत से लोगों पर देखा है, 100% काम करते हैं। हमारे शरीर में दस्तों के कारण जो पानी की कमी हो जाती है उसे भी पूरा करने का काम करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।